नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी। वाह, कितने खुश लग रहे हो सब। दीदी, हम तो आपके पास आकर खुश ही रहते हैं। आखिर ये हमारे दूसरे घर के ही समान जो है। अरे वाह, अच्छा है अच्छा है। आखिर आपको ज्ञान देने वाले गुरु आपके परिवार के समान ही तो होते हैं। अच्छा, अब ये बात चल रही है तो क्यों ना हम आज घर परिवार के बारे में ही चर्चा करें। दीदी, इस विषय के बारे में तो हम सब जानते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसे ही हम अपना घर कहते हैं। घर हमारे लिए मंदिर समान होता है। ये तो सही बोले आप। और इसीलिए हमें अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ये घर ही तो है जो हमें सर्दी, गर्मी, वर्षा इन सब से बचाता है। जरा सोचो, अगर घर नहीं होता तो हम कहाँ रहते और हम अपने सामान कहाँ रखते। दीदी, घर तो बहुत ही अहमियत रखता है हम सबके जीवन में। शहरों में तो आपने अधिकतर पत्थर, ईंट, सीमेंट, चूने इन सब से बने पक्के घर ही देखे होंगे। इन्हें कारीगर बनाते हैं और इनमें पानी के नल, बिजली आदि अनेक सुविधाएं होती हैं। अनेक घरों में तो पेड़ पौधे वाले छोटे छोटे बगीचे भी होते हैं, परंतु गांव में अधिकतर कच्चे घर होते हैं। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं। इन पर खपरेल या घास फूस की छत होती है। इनमें अधिक सुविधाएं भी नहीं होती। दीदी, और लकड़ी के घर भी तो होते हैं ना? हाँ, वे भी होते हैं। ज्यादातर लकड़ी के घर पर्वतीय इलाकों में पाए जाते हैं। उनमें भी अधिकतर बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं रहती हैं। अच्छा, तो अब कोई मुझे बताएगा कि परिवार क्या होता है? मैं बताऊंगा दीदी। हमारे घर में जो भी हमारे साथ रहते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, सब हमारे परिवार का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही। अनेक परिवार और बड़े होते हैं, जिसमें दादा दादी, ताऊ चाचा, ताई चाची और उन सब के बच्चे एक साथ रहते हैं। ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार के नाम से बुलाते हैं। हाँ दीदी, हमारा घर भी एक संयुक्त परिवार है। मैं रोज दादा दादी, चाचा चाची और माता पिता के आशीर्वाद लेकर ही स्कूल आता हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा काम करते हो तुम। हमें परिवार के सभी सदस्यों का आदर और सम्मान करना चाहिए, जैसे आप करते हो, चाहे वे आपसे छोटे हो या बड़े। और पूरे परिवार के साथ हिल मिलकर प्यार से रहना चाहिए। परिवार व घर के कामों में हमेशा माता पिता की सहायता करनी चाहिए। हाँ दीदी, हम सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। हम सब बच्चे और आप भी तो एक परिवार ही हुए ना दीदी। बिल्कुल, आप सब मेरे लिए मेरे छोटे भाई बहन की तरह ही तो हो। और भारतीय संस्कृति में तो हम सिर्फ जिन्हें जानते हैं वे ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता को, यानी पूरे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं, सभी को परिवार मानने की बात कही गई है, जिसे हम वसुदेव कुटुंबकम के नाम से जानते हैं। वसुदेव कुटुंबकम? वसुदेव यानी भगवान, कुटुंबकम यानी परिवार, यानी हम सब इस पृथ्वी पर रहने वाले सारे लोग उस भगवान की ही संतान हैं, उसका ही परिवार हैं। तो हुए ना हम सब एक परिवार के हिस्से। अरे हाँ, ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था दीदी। सचमुच हम सब तो एक बहुत बड़ा परिवार ही हुए फिर। लेकिन बच्चों, तुमने देखा होगा कि हमारे देश में करोड़ों लोगों के पास घर भी नहीं है। वे खुले आसमान के नीचे धरती पर सोते हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, हर हाल में खुले आसमान में किसी तरह अपना गुजारा करते हैं। सोचो, उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ता है। हमें ऐसे लोगों की हमेशा सहायता ही करनी चाहिए। आखिर वे भी तो वसुदेव कुटुंबकम का ही हिस्सा है ना दीदी। हम हमेशा उनकी सहायता ही करेंगे और उनका कभी मजाक नहीं बनाएंगे। उनकी मजबूरी का कभी फायदा भी नहीं उठाएंगे। जो बन पड़ेगा करेंगे। बहुत अच्छे, तुम्हारी जैसी भावना अगर सब लोगों में जग जाए तो पूरा विश्व सुंदर हो जाएगा। आखिर आप बच्चे ही तो आने वाले कल का, इस पृथ्वी का भविष्य हो। आप इसी सोच को अपने जीवन में आगे तक अपनाए रखना, तो देखना हमारे भारत में कैसे मानवता पनपेगी और भारत पूरे विश्व को एक बार फिर
शांति और उन्नति की राह दिखा पाएगा। बिल्कुल दीदी, हम हमेशा याद रखेंगे वसुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व हमारा घर है और हम हमेशा पूरी मानव जाति के लिए काम करेंगे, ना सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। बहुत बढ़िया, आज की मेरी चर्चा तो सफल हो गई आपका ये प्रण सुनकर। और इसी के साथ मेरे जाने का समय भी हो चला, तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।